वन स्टूडेंट टुडे मैथ क्वेश्चन जिस टॉपिक पर है तो आपने सुना आज मैं मैथ क्वेश्चन और इक्वेशन लिखने वाला हूं तो जस्ट मेरे टॉपिक पर मैं देख लो तो मैंने इस सुने टॉपिक के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के होगा इक्वेशन से बना रूट फाइंड करिए इक्वेशन से बना रूट से ये मैं फाइंड कर देता हूं नेक्स्ट रूट से इक्वेशन फाइंड कर देता हूं ओके नेक्स्ट मैं उमर के रूट से जब इक्वेशन से रूट फाइंड कर देता हूं फार्मूला देता हूं x = -3 + r - √b² - 4ac / 2a એટલે ફોર્મ્યુલા લેતો હું કે ફોર્મ્યુલા ઓન્લી b² - 4ac ઓન્લી b² - 4ac સિન્સ b² - 4ac એટલે મને એના પાર્ટિક ax² bx + c = 0 એમ નિયમ અનુસાર નોટ એમ નોટ b² - 4ac પાર્ટિસિપેટ કરતો હું કે b² - 4ac Okay, 2 square minus 3
क्यूब स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 ओके माइनस क्यूब स्क्वायर से 9 माइनस 4 टू जर 8 6 जर 48 ओके 9 माइनस 48 अंदर 9 माइनस 48 अंदर माइनस 39 माइनस 39 वैल्यू माइनस 39 वैल्यू मन के अलाउ करने मन के 0 करना तोपो 0 के तोपो का बच्चे मन के इस लूसर लूसर नो रियल लूस नो रियल लूस and if we are no real loss okay it is no real loss is example okay next another example example to another example find the denominator find the denominator find the denominator 2x square minus 3x plus 6 plus 6 is equal to 0 x square by 3x minus 6 is equal to 0 okay a is equal to 2 b is equal to 3 c is equal to minus 6 this term into formula b square minus 4ac equal to b means 3 square minus 4 into a C and the minus 6 9 minus or minus plus next 4 2 are 8 8 6 are 48 ok 9 plus 48 9 plus 49 is equal to 9 plus 48 is equal to 57 ok we 0 can the top ok 0 can the sorry 0 can the एको का बच्चे दूसरा रियल दूसरा दूसरा रियल इनका बच्चे का कैरेक्टर जीरो तब बच्चे कैरेक्टर जीरो तब बच्चे जीरो करके एको का बच्चे दूसरा रियल इन्दर का एक तो इन्दर समझ के जीरो करके सबको का बच्चे नो रियल लूज ओके कौन के ये मतलब एग्जाम में अपना नो रियल एग्जाम में अपना उसे रियल के मो एग्जाम में जाने पड़ो ओके नेक्स्ट अगला टॉपिक है ना अगला एग्जाम पर मेरे को एग्जाम पर मालूम जब मो नो रियल पर नहीं पड़ना एग्जाम पूरा जब मो हाँ उसे रियल पर नहीं पड़ना ओके जीरो करने एक बार जीरो कर सबको नहीं पड़ना तो ना उसे एक बार ओके आंसर जीरो रहा बीच के मेरे स्टोरी के लिए सिंपलीकेशन है आंसर जीरो आते उसे एक बार उसमें सिंपलीकेशन चैप्टर ओके पर एंड में फाइंड द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पहले डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ओपन होने का मतलब ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू माइनस 4 c is equal to 4 ओके मतलब ये फार्मूला b square minus 4ac सिंपलीफिकेशन b square minus 4ac एंड देन मतलब b mean minus 4 और square minus 4 into 1 into c and 4 16 minus 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 16 minus 16 0 b square minus 4ac equal to 0 కాబట్టి రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ మూలాలు సమానం అంటే మూలాలు సమానం అంటే x 2 వస్తే x 2 వస్తే x 3 వస్తే x 3 వస్తే x మైనస్ 2 మైనస్ 2 వస్తే x మైనస్ 2 మైనస్ 2 వస్తే దెన్ ఎందు x వాల్యూ
फर्स्ट वैल्यू ये होती सेकंड वैल्यू को सेम टू सेम ओके रखूंगा फर्स्ट वैल्यू ये डेसिमल ले लूंगा मतलब इसको टॉपिक ओके मतलब करे b स्क्वायर माइनस 4ac 11 0 आई है b स्क्वायर माइनस 4a b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आई है b स्क्वायर माइनस 4ac a इक्वल टू 0 आई है मतलब ये सारा इक्वल है सारा इक्वल टॉपिक को मतलब फोर में ये रखने में मतलब और फोर ऑफ सेम और टू ऑफ टू में मतलब ड्रॉप करना और thank you.